हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड आर्ट्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले MIUI 13 के ऑफिशियल विजेट्स के बारे में कि आप अपने डिवाइस में उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और विजेट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप भी गाइस MIUI 13 के विजेट्स का वेट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आएगी गाइस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, बेल आइकन को दबा दे और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर जल्दी से ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जाकर जल्दी से फॉलो कर ले गाइस। कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आप मुझे वहां पर भी पूछ सकते हैं, तो जाके जल्दी से फॉलो कर ले गाइस। तो गाइस, विजेट्स को इंस्टॉल करने से पहले आपको सबसे पहले दो क्राइटेरिया है यहाँ पे। आपको अपने डिवाइस को चाइना रोम इंस्टॉल करना होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने कल ही यहाँ पे MIUI 12 प्लस एंड्रॉइड 10 का वर्जन 12.0.3 रेडमी नोट 7 प्रो का चाइना रोम को इंस्टॉल किया हुआ है। देख सकते हैं मुझे 12.5 का अपडेट आया हुआ है पर मैंने किया नहीं है यहाँ पे, देख सकते हैं गाइस। उसके बाद चाइना रोम को इंस्टॉल करने के बाद आपको मैं दो APK हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा यहाँ पे मैं थोड़ी देर में, तो उन दोनों APK को जाकर आपको इंस्टॉल करना होगा। एक APK का है गाइस, वो है सिस्टम लॉन्चर का, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। देख सकते हैं गाइस सिस्टम लॉन्चर का देखने को मिल जाता है वर्जन 4.26 स्टेबल वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, लेटेस्ट MIUI 13 वाला ये आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइज आपको मिलता है ऐप वर्ल्ड का वर्जन 5.1.96, इसका भी APK मैं आपको दे दूंगा, तो जाके जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आप चाइना रोम यूज कर रहे हैं और आपको विजेट्स यूज करना नहीं आता है तो इन दोनों को जाके आपको इंस्टॉल कर लेना होगा गाइज। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, सिंपली आप जब ऐप वर्ल्ड को चेक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, फिर सिस्टम लॉन्चर को जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको विजेट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं गाइज। इसमें मेन फर्क क्या है गाइज कि जो MIUI 12.5 में विजेट्स था वो सिर्फ सिस्टम ऐप्स का था, जैसे कि सिक्योरिटी, कैलेंडर, वेदर, क्लॉक, इन सब ऐप का देखने को मिलता था, पर यहाँ पे Xiaomi ने थर्ड पार्टी विजेट्स को भी ऐड कर दिया है। मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइज यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी विजेट्स देखने को मिल रहा है, जैसे कि पहले ये नेम प्लेट सिंपल सा व्हाइट कलर में आता था, यहाँ पे देख सकते हैं उसमें एनिमेशन देखने को मिल जाता है, फिर यहाँ पे छोटा बड़ा हर एक साइज का डिफरेंट डिफरेंट साइज का देखने को मिलता है। इसमें खास बात यह है गाइज कि अब आप होम स्क्रीन पर स्टिकर्स को भी यूज कर सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको स्माइली वाला, डाइस वाला और ये जो होता है दो हाथ से खेलने वाला वो कुछ देखने को मिलता है, फिर यहाँ पे आपको गैलरी का देखने को मिल जा रहा है, फिर इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये मोर जैसे कि स्टोर होता है वैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसमें गाइज आप अपना जो हेल्थ है उसका देख सकते हैं, यहाँ पे कितना वाटर फिल करना है एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पानी को जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ पे बढ़ते चला जाएगा। बहुत ही एक्साइटिंग विजिट्स यहाँ पे Xiaomi ने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, फिर आपको गोल का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट साइज का यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे। और मैं एक्साइटिंग विजिट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको मिनिमल देखने को कुछ मिल जाता है एक्साइटिंग, यहाँ पे देख सकते हैं गाइज ये आपको स्टेप्स का देखने को मिलता है, हर एक डिफरेंट साइज का, वेदर का देखने को मिल जाता है, टेम्परेचर हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, बहुत सारे साइज का देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइज जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको देखने को मिलता है, ये हो गया GPS नेविगेशन का, ये वेदर का हो गया, ये वाला वेदर मैं अभी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर ये क्लॉक का देखने को मिल जाता है अलग अलग लेआउट में, देख सकते हैं गाइज यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको स्टोर देखने को मिलता है सिर्फ क्लॉक, वेदर और टेम्परेचर का, देख सकते हैं गाइज यहाँ पे आपको कुछ मैथमेटिकल्स देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं गाइज जैसा कि आप लोग यहाँ पे हर एक डिफरेंट डिफरेंट लेआउट में आपको देखने को मिलता है। फिर एक आपको ब्लैकबोर्ड वाला देखने को मिल जाता है, जैसे ब्लैकबोर्ड में होता है मैथ्स पढ़ते हैं आप लोग तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको टाइमिंग देखने को मिल जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 2 3 6 एंड 2 2 4 6 4 10, तो इस पे आएगा तो 10 बजेगा, फिर रूट अंडर 15 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 9, फिर 1/8.64/1 8, फिर ये 7√49 अलग अलग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस बहुत सारे एक्साइटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। फिर आप इसका लैंग्वेज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं और कैलकुलेशंस को भी चेंज कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट में, एडिट बटन भी देखने को मिलता है। MIUI 13 के बाद गाइस बहुत सारे एक्साइटिंग विजेट्स को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग क्लॉक के, ये सब गाइस थीम स्टोर से एक्सेस होता है और इंटरनेट भी आपका बहुत ज्यादा यूज होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वाईफाई से इस विजेट्स को यूज करें डाउनलोड करके। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है गाइस स्टिकर्स देखने को मिलता है अगर आपको होम स्क्रीन पे ऐड करना है तो, जैसे कि ये सिंचन वाला हो गया तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपको सिंचन का देखने को मिलता है, बहुत सारे विजेट्स है, मैं दिखा देता हूँ जैसे एक ऐड करके इसको मैं ऐड करूंगा दूसरे वाले होम स्क्रीन पर, देख सकते हैं गाइस कितना मस्त लगता है ये आपको,
आप अपना होम स्क्रीन को बहुत ही अमेजिंग तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज आप लोग बहुत सारे विजेट्स, इसमें विजेट्स गाइज अनलिमिटेड विजेट्स भरे हुए हैं यहाँ पे आप लोग अगर आप चाइना रूम यूज करेंगे तो। अब ये ऐसे ही जो भी विजेट्स होगा गाइज, अगर मे भी हो सकता है अगर MIUI 13 आए ग्लोबल में जल्दी और विजेट्स आए तो गाइज इन सब विजेट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा और इसके बाद आपको ग्लोबल में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ग्लोबल में वेट नहीं करना, अगर आपको अभी यूज करना है तो जाके जल्दी से चाइना रोम को फ्लैश करें। और दोनों फ्लैशिंग का जो वीडियो होता है गाइज, कैसे कैसे स्टेप वाइज होता है, दोनों का लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं पिन कर दूंगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं गाइज यहाँ पे आपको एक्सरसाइज का देखने को मिल जाता है, अलग अलग विजेट्स यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, स्टिकर देखने को मिलता है गाइज, बहुत ही अमेजिंग एंड कूल। फिर आपको बैटरी वाला मैं एक दिखा देता हूँ यहाँ पे, रेनबो बैटरी जिसका नाम है, जो कि Xiaomi ने इंट्रोड्यूस किया था MIUI 13 के लॉन्च इवेंट में, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देख सकते हैं गाइज ये रहा आपको बैटरी का मिल जाता है, डिफरेंट क्लॉक देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये हो गया सिंपल बैटरी का, तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा तो देख सकते हैं अभी मेरा 84% चार्ज है और यहाँ पे भी आपको 84% देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं गाइज यही कुछ अमेजिंग न्यू विजेट्स ऐड किए गए हैं MIUI 13 में। तो मैंने आपको इंस्टॉलेशन के बारे में भी बता दिया, उन दोनों एपीके गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, मैं थोड़ी देर में पोस्ट कर दूंगा तो जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी गाइज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके जल्दी से ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.